एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई नो जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी दिवाली तो खत्म हो चुकी होगी, बट माय ऑल द बेस्ट विशेस आर विद यू ऑल। मे माता लक्ष्मी ब्लेसेस यू विद प्रोस्पेरिटी, वार्मथ ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। क्योंकि मैं अभी भी नहा के रेडी हुई हूँ तो इसलिए मेरे बाल अभी ऐसे ही है, मैंने कोम नहीं किया। दिवाली है तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं दिवाली में क्या क्या करती हूँ, एंड आई विल ऑल्सो शो यू सम क्लिप्स मार्केट के कि रांची का मार्केट कैसा सजा हुआ है दिवाली में। मतलब आई मीन मार्केट इतना कलरफुल, इतना ब्राइट लग रहा है। रांची इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। लिटरली आप मार्केट देखोगे तो आपको यही फील आएगा, मार्केट बहुत जगमगाया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो ये मेरे कुछ सामान हैं जो मैंने दिवाली पे लिए हैं अपने घरौंदा को सजाने के लिए। मिट्टी के बर्तन हैं, रंगोली कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एंड ये इस तरह के कुछ रंगोली स्टिकर्स आते हैं जो हम अपने रूम के बाहर लगाते हैं, सो दैट ये इजी होता है, बिकॉज़ हर रूम के बाहर तो रंगोली बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ये स्टिकर्स पेस्ट कर दो एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। चलो अब दिखाते हैं कि बाज़ार का माहौल कैसा है। ये है मेरे घर के बाहर का मार्केट। मुझे कुछ पूजा के लिए सामान लेना था तो आई वॉज़ गोइंग देयर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको भी दिखा दूँ कि मार्केट में क्या हाल चाल है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो काफ़ी भीड़ है। आई मीन अभी तो ये हाल है, शाम में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। सब तरह के लोग सामान बेच रहे हैं यहाँ पे। कुछ मूर्तियाँ हैं, एंड दिवाली हो और पटाखे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पटाखों के भी स्टॉल लगे हैं, तो मुझे थोड़ा और आगे जाना था पूजा का सामान के लिए, तो मैं आ चुकी हूँ। यू कैन सी, एंड बस मैंने अपना सामान ले लिया, अब मैं वापस घर जाने वाली हूँ। दिए, ग्वाले, सब कुछ है यहाँ पे, सारे ही कुछ मिल जाता है मेरे घर के पास। तो चलो अब मैं घर जाके अपने घरौंदा की तैयारी करके दिखाती हूँ आपको। सो हे, यू कैन सी दैट मैंने सारा सामान अरेंज कर रखा है अपने घरौंदा के लिए, और अब मैं इसे रेडी करने वाली हूँ। सो फर्स्ट फ्लोर मेरा बन चुका है एंड अब सेकेंड फ्लोर, तो हेयर इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑल्सो, और मुझे अब बनानी है सीढ़ी। तो क्योंकि दिस टाइम मैं अकेली थी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था सब कुछ रिकॉर्ड करने का, तो मैंने जैसे तैसे मैनेज करके थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ माई लिटिल हाउस। बहुत टाइम लग गया बनाने के लिए, और अब मुझे मम्मी के साथ पूजा के लिए मेन रोड आना था, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो मेन रोड का ये काली मंदिर है, बहुत अच्छे से इन्होंने सजाया है इसे, ऑब्वियसली हर साल ही सजाते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे पूजा करने वाले हैं और फिर इसके बाद हम लोग घर जाके और भी काम है, दिए जलाना है और, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ का काम कर लेते हैं। अब मैं अपने घर वापस आ चुकी हूँ, तो मैं बस अपने घर की आपको लाइटिंग दिखा देती हूँ, मेरे घर में कैसे लाइट्स लगे हैं। तो अभी तो मैं फिर से यहीं अपने घर के पास वाली मंदिर में जा रही हूँ मम्मी के साथ, फिर मुझे घर आकर रंगोली भी बनानी है। तो मैं बस रंगोली अपना स्टार्ट कर रही हूँ, और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मुझे इतनी अच्छी से रंगोली बनानी नहीं आती, तो जैसे तैसे मैंने गूगल से देख कर ट्राई करा है। तो आप सब बताना मुझे रंगोली कैसी लग रही है। मुझे तो ठीक ही लग रही है, मतलब हाँ अच्छी लग रही है। तो मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई है। तो मेरी पूजा हो गई, एंड एज आई टोल्ड यू कि दिस ईयर मैं मतलब अकेली हूँ मम्मी के साथ, तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई था नहीं, एंड ट्राईपॉड पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने पूजा की सारी वो प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मैं बस आपको ऐसे ही ग्लिंस दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है आफ्टर पूजा। पूजा करने के बाद तो रौनक ही अलग लग रही है मेरे घर कुंडा की। ओके, सो सारा काम फाइनली ख़त्म हुआ, आई एम वेरी टायर्ड, मैंने पूजा कर ली। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, जहाँ हम लोग घूमने के लिए आए थे पंडाल हॉपिंग। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको पंडाल सारे।
एंड ये वाली जो पंडाल है ये हरमो रोड का पंडाल है। तो नेक्स्ट अब हम लोग आए हैं यहाँ कपिल देव के पास का जो मैदान है वहाँ पे पंडा, यहाँ पर तो देख ही रहे हो काफ़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सा मेला टाइप लगता है काली पूजा में। और इधर देखो बहुत कुछ मिल रहा है, सामान झूले लगे हुए हैं, फिर बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये वाला जो पंडाल है ये मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है कि कौन सी जगह का है, तो अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना दैट मुझे याद आ जाए, तो मैं इसका लोकेशन तो नहीं बता पाऊँगी। और अब हम लोग आए हैं यहाँ डोरंडा साइड, यहाँ पर जो पंडाल बना है वो घूमने के लिए। साइड साइड में आप देख सकते हो काफ़ी दुकान यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये वाला जो जगह था यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत मैनेज करके हम लोग पंडाल के अंदर घुसे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी यहाँ पे। यू कैन सी दिस क्राउड, यहाँ का क्राउड तो इतना ज़्यादा था कि मैं तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड करा। और यहाँ पे रुकने भी नहीं दे रहे थे ये लोग, जल्दी जल्दी सबको जाने बोल रहे थे बिकॉज़ क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया था कंट्रोल के बाहर। तो हम लोग रिकॉर्ड करके मैं बस आ गई, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कुछ खाए, छोला भटूरा, चाउमिन एंड ऑल, तो बस यहाँ से हम लोग निकल गए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ओवरब्रिज के नीचे तपोवन मंदिर के पास का जो पंडाल है यहाँ पर आए हैं। यहाँ का पंडाल देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था बिकॉज़ ये शायद कोई थीम बेस्ड था। चलो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा थीम था। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जंगल सॉर्ट ऑफ का थीम बनाया था, साइड साइड में पूरे आर्टिफिशियल पेड़ एंड एनिमल्स सब कुछ लगा हुआ था, तो ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था। अंदर में भी आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड ऑल का काम किया हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोग आए यहाँ पर लालपुर में प्लाज़ा चौक के पास जो पंडाल बनता है प्लाज़ा सिनेमा हॉल के पास। तो यहाँ का भी पंडाल काफ़ी अच्छा बनता है हर साल, तो इस साल देखते हैं क्या है। ओके, सो इस साल इन्होंने कुछ पीजन का थीम लिया हुआ है और लाइटिंग सारी ब्लू ब्लू लाइटिंग है, तो ये पंडाल भी काफ़ी अच्छा लगा। इसकी मूर्ति भी बहुत प्यारी मूर्ति थी, बहुत सुंदर लग रही थी, वाइट कलर की पूरी। तो ये वाला पंडाल भी लालपुर में ही बना है एंड यहाँ पे इन्होंने माता के कई सारे रूप छोटे छोटे दिखाए हैं। और ये पूरा पंडाल इको फ्रेंडली पंडाल है, तो यहाँ भी बहुत भीड़ थी और हम लोग आरती के टाइम आए थे तो एंट्री पे थोड़ी ज़्यादा क्राउड हो गया था, तो फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो देखो ये है यहाँ की मूर्ति, यहाँ की मूर्ति मुझे सबसे बेस्ट लगी, सबसे प्यारी लगी और यूनिक भी है काफ़ी। तो आप मुझे बताना कि आपको कौन सा पंडाल अच्छा लगा, कौन सी मूर्ति अच्छी लगी एंड आप कहाँ कहाँ गए। सो मैं सारे पंडाल घूम के घर आ चुकी हूँ, सारे नहीं एक्चुअली कुछ कुछ, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, दो दिन से आई एम बहुत ज़्यादा टायर्ड। तो बस अब मैं अपना ये फेस क्लीन करके आई विल गो टू बेड। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।